बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वायनाड में राहुल गांधी SDPI का समर्थन ले रहे हैं। SDPI प्रतिबंधित संगठन PFI का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है। PFI SDPI पर भाजपा शासित प्रदेश में प्रतिबंध है ऐसा नहीं है, तो वो कर्नाटक में भी प्रतिबंधित है। क्यों है? तो आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे SDPI राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? SDPI से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हाथ हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का नंबर पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो घमंडिया गठबंधन की रैली तो हुई, सब साथ आए, लेकिन उसी रैली में आए हुए कुछ पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरोध में CPI के व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं। और बंगाल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, उनके विरोध में TMC उम्मीदवार लड़ने वाली है, तो ये गठबंधन है या विघटबंधन है? इस सवाल का जवाब राहुल जी ने देना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा ये है, कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खड़गे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो उनका फोटो होना चाहिए, उनका नहीं तो राहुल जी आपका, सोनिया जी का। क्या कांग्रेस को यह डर है कि अपने किसी नेता के फोटो डालने से अपने वोट कम होने वाले हैं, इसलिए विज्ञापन में ना सोनिया जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का फोटो आ रहा है? ऐसे 3 सवाल राहुल जी को मैं आज आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2008 के बीजिंग में मेडल जीते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, तो स्वाभाविकता उनकी हर ताकत का, हर शक्ति का उपयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा,
राजस्थान इन सभी प्रांतों में जरूर करेगी, उत्तर प्रदेश में भी। और उनके आने से और एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय की ओर, अपने टारगेट की ओर सफलतापूर्वक बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा माननीय विजेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। जी राम राम सभी को। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिले तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फाइट करने जाते थे, दुबई में फाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल होकर कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर क्या मिलेगा? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विजेंद्र सिंह जो कल तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के एक्सपोज को रिट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से वो बीजेपी की तरफ मुड़ गए हैं। उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये सदस्यता उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में ली है। मैंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास, देश की तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हूं और मैं इसके लिए लोगों का भला कर सकूं। खिलाड़ियों को लेकर मोदी सरकार में काफी द्वेष भी देखा गया, आप लोगों को प्रदर्शन भी जंतर मंतर जो रहा उसे कैसे देखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ बिल्कुल, मैं कहते पहले भी कहते जो गलत को मैंने अभी स्टेज पे बताया कि मैं गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा। और मैं चाहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल होकर बहुत सारे खिलाड़ियों का भला करूँ। तमाम जो अपोजिशन के नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है बीजेपी में क्या कमी लग रही है आप लोगों? जी मैं समझा नहीं कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन से नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस में क्या कमी आपको लग रही है? जी वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे, मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। आप आगे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी से, मोदी सरकार से? नहीं जी, हम देश सेवा करना चाहते हैं। दादा विजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहता हूं। आपको बताते हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विजेंद्र सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है।